हेलो, हमारा न्यूज चैनल न्यूज बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ भूमिका। बीजेपी ने गठबंधन की ताकत तो दिखाई पर सीट शेयरिंग की बात अब तक नहीं बताई। यूपी चुनाव में आज बीजेपी ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। पार्टी की तरफ से अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय निषाद भी शामिल रहे हैं और अनुप्रिया पटेल ने भी अपने विचार रखे हैं। अभी तक पार्टी की तरफ से 107 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया है कि यूपी चुनाव में बीजेपी अपना दल और निषाद पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रही है। उन्होंने विश्वास जताया है कि अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर यूपी में फिर कमल खिलाया जाएगा और बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की है कि पिछले 5 सालों में यूपी में हर पहलू पर काफी काम हुआ है। कानून व्यवस्था सुधरी है और सबका साथ सबका विश्वास के मंत्र के साथ आगे बढ़ा गया है। कहा जा रहा है कि एक लंबे मंथन के बाद बीजेपी फिर अपने पुराने साथी अपना दल और निषाद पार्टी के साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो चुकी है, हर रणनीति पर काम कर लिया गया है। अब कुछ ही दिनों में औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। अपना दल के संजय निषाद ने जानकारी दी है कि सीट शेयरिंग को लेकर सब कुछ फाइनल कर लिया गया है, लेकिन उनके मुताबिक मंथन कभी भी सीटों को लेकर नहीं होता है। मंथन तो हमेशा सिर्फ जीत का होता है। उनकी तरफ से इस बात पर भी जोर दिया गया कि बीजेपी ने अपने वादों को पूरा किया है। उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया है। वही अनुप्रिया पटेल ने दावा कर दिया कि इस बार उनकी पार्टी पिछले बार से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। उन्होंने कहा कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा, महत्वपूर्ण है कि चुनाव जीतना है। हम पिछली बार से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, पहले से बड़ा बहुमत हासिल करेंगे। वैसे अपने पहले लिस्ट में भी बीजेपी ने हर सियासी समीकरण का पूरा ध्यान रखा था। ओबीसी समाज पर भी नजर रही और जाटों को भी साधने का प्रयास रहा। बीजेपी ने 68% सीटें ओबीसी, एससी और महिलाओं के लिए आबंधित की है। 44 सीटें ओबीसी, 19 सीटें एससी और 10 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया गया है। इस सब के अलावा बीजेपी की पहली 2 सूची में सवर्ण वर्ण को 40 टिकट मिले हैं। ठाकुर 18, ब्राह्मण 10, वैश्य 8, त्यागी 2, कायस्थ 2 रखे गए हैं। That's all for our news today. Stay tuned to our channel. Good day.